नमस्कार बच्चों, मैं अस्मा खान, प्रवक्ता सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी से आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम अध्याय आठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अध्याय आठ है हमारा किसान, जमींदार, राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं व 17वीं सदी। हमने अपने पिछले भाग में किसान व कृषि उत्पादन से संबंधित पहलुओं को पढ़ा था, जिसमें किसानों के कार्य एवं भारतीय कृषि के लिए भौगोलिक विविधताएं, उनके स्रोत के माध्यम, उनका अध्ययन किया था और किसान व उनकी जमीन व सिंचाई की तकनीक के साथ साथ उनकी फसलों व पैदावार और ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा था, जैसे खेतीहर किसान, पंचायत, मुखिया, ग्रामीण दस्तकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज बच्चों, हम इस दूसरे भाग में जो पढ़ेंगे उसको एक बार देख लें। तो आज के भाग का उद्देश्य क्या है? कृषि समाज में महिलाओं का योगदान क्या था? महिलाओं को प्रजनन शक्ति के रूप में समझा जाता था। जंगल और कबीले एवं उसमें बसे लोग, कृषक बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया कर दिया गया। कैसे? जमींदार एवं जमींदारी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खेतीहर अर्थात किसान परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थीं तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थीं। पुरुष खेतों में जुताई, हल चलाने का काम करते थे। महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थीं और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थीं। वास्तव में मध्यकाल, विशेष रूप से 16वीं और 17वीं सदी में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार संसाधन श्रम उत्पादन के प्रमुख आधार बन गए थे। इसी के साथ साथ अब हम अपनी पहली हेडिंग, वो क्या है? कृषि समाज में महिलाओं का योगदान। अब महिलाओं का क्या योगदान था बच्चों, ये भी जानना आवश्यक है। महिलाओं का पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। कृषि के अलावा अन्य कार्यों में महिलाओं की सहभागिता थी। कृषि का कार्य भी करती थी और साथ साथ अन्य कार्य भी करती थी, जैसे किसान दस्तकार के रूप में महिलाएं वे घर का काम, किसान का काम एवं दस्तकारी भी करती थीं। ग्रामीण इकाइयों में व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार और उसके संसाधन श्रम उत्पादन के प्रमुख आधार बन गए थे। ये था हमारा किस प्रकार समाज में महिलाओं का योगदान था। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं और देखें महिलाओं को प्रजनन शक्ति के रूप में। अब प्रजनन शक्ति के रूप में किस तरह से देखे हम इसको, पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं। समकालीन समाज का श्रम पर आधारित होना। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए श्रम उत्पादन की वजह से, अर्थात इस परिपेक्ष में महिलाओं को संसाधन के रूप में देखा जाना। फिर भी महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा थी एवं शादीशुदा महिलाएं की कमी थी। किसान और दस्तकार समाज में नए नए रीति रिवाज पैदा होना। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत थी,
ना कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं एवं विधवाएं कानूनन शादी कर सकती थीं। इस परिपेक्ष में महिलाओं की प्रजनन शक्ति को अहमियत दी जाती थी। पश्चिमी भारत से मिले दस्तावेजों में महिलाओं द्वारा पंचायतों से न्याय की गुहार के साक्ष्य हैं। अब न्याय की गुहार किस वजह से, क्या कारण थे? जैसे पुरुषों द्वारा परिवार को अनदेखा करना, पुरुषों की बेवफाई को भी अनदेखा करना। अब भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। इन महिलाओं में विधवाएं भी शामिल थीं। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में महिलाएं सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। हिंदू व मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार मिलते थे, जिसे वे बेचने व गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला जमींदारें थीं। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग देखते हैं, जंगल और कबीले में बसे हुए लोग। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में जंगलों का फैलाव। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे इलाके जहां काफी बड़े भाग में जंगल फैले हुए थे, जैसे झारखंड, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, दक्कन का पठार एवं दक्षिणी भारत का पश्चिमी भाग। जंगल एवं कबीलों में रहने वाले लोगों का स्वरूप। अब समकालीन रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जंगली का मतलब जंगली होना नहीं होता था, बल्कि ऐसे लोग जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार एवं स्थानांतरित खेती से होता था। ये मौसम के मुताबिक होते थे, जैसे कि भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मी में मछलियां पकड़ी जाती थी, बारिश में खेती की जाती थी और शरद ऋतु में शिकार किए जाते थे। बाबर की आत्मकथा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह में घूमते रहना इन जंगलों में रहने वालों की खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल एक उलट फेर वाली जगह थी, जैसे विद्रोही और बदमाशों को शरण देना। इन लोगों के लिए जंगल एक ऐसा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। तो अब हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग, कृषक बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। इसमें हमारा पहला पॉइंट है मुगल राजाओं का शिकार अभियान। अब मुगल राजाओं का शिकार अभियान पर जाना, जिसमें राजा साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। अब दौरा करने के बाद अगला पॉइंट, जैसा कि रचनाकार की कविता के अनुसार, अब 16वीं सदी के एक कवि मुकुराम चक्रवर्ती ने अपनी एक कविता में लिखा है, जो कि एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। इस कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार। अब कबीलों मैदानों के बीच व्यापार, अवध, जो कि बच्चों आप जानते हैं जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहां का मैदानी इलाके
और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन का अबुल फजल ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। कैसा? उत्तरी पहाड़ी के इंसान मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाते थे। बेशुमार सामान जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, शहद, चुक। अब चुक क्या है? चुक जो कि संतरे और नींबू को उबाल कर बनाया गया एक तरह का द्रव, साथ ही साथ अनारदाना इत्यादि। और इसके बदले में वे सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा। कहरुबा क्या था? ये एक पीली भूरी धातु है जिससे गहने, गहने जो आपके मम्मी आपके घर वाले पहनते हैं वो बनाए जाते थे। नमक, हींग, शीशे एवं मिट्टी के बर्तनों को वापस लाते थे। तो ये व्यापार के साथ साथ लोगों का जंगलों में कृषक बस्तियों को पहुंच को दर्शाता है। इसके बाद वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में। अब वाणिज्यिक खेती का असर किस तरीके से? जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी वस्तुएं तो 17वीं सदी भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तु थी। सामाजिक कारणों से जंगल वासियों के जीवन में बदलाव। अब सामाजिक कारणों से जंगल वासियों के बीच में बदलाव किस तरीके से? अब जैसे कबीलों के भी सरदार बनने लगे थे, कई इलाके या कबीलों के सरदार जमींदार भी बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। अब राजा हो गए तो उन्हें सेना की आवश्यकता थी। अब सेना कहाँ से लाए वो लोग? तो इसके लिए उन्होंने अपने खानदान व भाई बंधुओं की सहायता से सेना का भी निर्माण कर लिया। सिंध इलाके में कबीलियाई सेना के पास 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सैनिक भी थे जो कि कबीलियाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया थी। अब हालांकि ये संकेत तो बहुत पहले ही दिखाई दे रहे थे, परंतु 16वीं सदी में आकर ये प्रक्रिया और विकसित हुई। इससे जंगलों में सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा। अब जिसके तहत इन इलाकों में बसे खेती और समुदाय के लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, जिसमें सूफी संतों ने काफी हद तक बड़ी भूमिका निभाई। तो बच्चों, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली हेडिंग। अगली हेडिंग, जमींदार एवं जमींदारी व्यवस्था। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में जमींदारों की भूमिका। जमींदारों को आमदनी तो खेती से ही आती थी, ये सब आप जानते ही हैं, लेकिन ये कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं रखते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक तो होते थे और साथ ही साथ समाज में इनकी ऊंची हैसियत की वजह से इन्हें कुछ खास सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। जमींदारों की बड़ी हैसियत के पीछे कुछ तो कारण थे जैसे जाति, और ये लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी देते थे जिस कारण समाज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो समझ में आया आपको ये बात? जमींदारों की आर्थिक स्थिति और उनके कार्य। अब हम इसके साथ साथ ये भी देख लें कि जमींदारों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी बड़ी बड़ी या विस्तृत जमीनें थी जिन्हें मिल्कियत भी कहते थे। मिल्कियत से याद आया बच्चों, पिछले भाग में हमने आपको मिल्कियत का मतलब समझाया था, याद करने की कोशिश करिए।
फिर से बता दूं आपको, मिल्कियत क्या है? जमीन पर मालिकाना हक, जो कि उनकी संपत्ति कहलाती थी। तो मिल्कियत जमीन पर जमींदार ने निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी और अक्सर ही इन जमीनों पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर। अब पराधीन मजदूर जैसे कि क्या होता है? जो कि दूसरों के अधीन होते हैं, ये पराधीन मजदूर। तो दिहाड़ी एवं पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी से जमीन तो बेच सकते थे और किसी अन्य के नाम भी कर सकते थे या उसे गिरवी भी रख सकते थे। तो ये सारे कार्य जमींदार के थे। साथ ही साथ जमींदार राज्य की ओर से करों की वसूली भी करते थे। ये बहुत जरूरी बात है आपको ध्यान रखने लायक, जिसके बदले में उन्हें राज्य से वित्तीय मुआवजा मिलता था। जमींदारों के पास उनके खुद के सैनिक, घोड़े, तोपखाने एवं किले भी होते थे। इससे आप बच्चों समझ सकते हैं, जमींदारों की आर्थिक स्थिति का आकलन भी कर सकते हैं कि वे कितने समृद्ध होंगे और मुगल काली सामाजिक संरचना में वे पिरामिड के रूप में सबसे टॉप यानी कि शीर्ष पर रहते थे। अब इसके आगे जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत नई जमीनों को बसाकर अधिकारों का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए राज्य के आदेशों द्वारा या फिर खरीद कर, यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए निचली जाति के लोग भी जमींदारों के दर्जे में शामिल हो सकते थे। अब कैसे हो सकते थे? क्योंकि इस काल में धड़ल्ले से जमींदारी खरीदी और बेची जा रही थी। इसके आगे समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में जमींदारों की भूमिका। अब कैसे? कई कारणों ने परिवारों या वंश पर आधारित जमींदारी को पुख्ता होने का मौका दिया। पुख्ता होने का मौका, जैसे कि उत्तर भारत में राजपूतों ने, जाटों ने और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों ने अपनी बड़ी बड़ी जमींदारियां बना ली थी। तो ये सारी बात थी जमींदार और जमींदारी व्यवस्था की। ये आपको समझ ही आ गया बच्चों? तो बच्चों अब आप इस भाग को पढ़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं, पॉइंट वाइज आपने सब देख लिया है, हेडिंग्स भी समझ ली है। अब इस भाग को हम थोड़ा संक्षेप में जान लें, हमने क्या पढ़ा है। कृषि समाज में महिलाओं का योगदान, जैसा कि आप सुन ही चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस प्रकार महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही थी। कृषि के अलावा वे अन्य कार्य भी कर रही थी, जैसा कि महिला दस्तकार भी थी। इसी के साथ साथ महिलाओं को प्रजनन शक्ति के रूप में समझा जाना। अब प्रजनन शक्ति के रूप में क्योंकि महिलाओं को श्रम साधन के रूप में देखा गया है। फिर हमने पढ़ा कि जंगल और कबीले एवं वहां बसे हुए लोग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक दृष्टिकोण को पढ़ा और साथ ही साथ जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में भी हमने जाना व पढ़ा है। अगला हमने क्या जाना कि कृषक बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया कर दिया गया। अब कैसे, किस तरह से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के जरिए जंगलों तक पहुंच और साथ ही साथ उनको कृषक बस्ती के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फिर जमींदार एवं जमींदारी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। जमींदार और जमींदारी व्यवस्था, बच्चों ये इस अध्याय का मुख्य अंश है। तो ये सारी बातें, ये सब कुछ, सब पॉइंट्स आप क्लियरली एक विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं।
अब बच्चों एग्जाम में यदि प्रश्न आते हैं, कोई प्रश्न आया उसका उत्तर हमें किस दिशा में देना है ये भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ और उसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है ये भी आप देख लीजिए। तो मूल्यांकन में एक प्रश्न है यदि आपके पास आता है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। कितने बढ़िया विस्तृत रूप में आपने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैंने इसको बुलेट्स फॉर्म में यहाँ नोट करके आपको दिखाया है। इसको इस पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करना है और फिर लिखना है। पॉइंट्स मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देती हूँ। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे थी? महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। फिर महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का भी काम करती थी, खेतों में काम करती थी, ये सारे कार्य भी करती थी, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करती थी। ग्रामीण इकाइयों में व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन श्रम उत्पादन के प्रमुख आधार बन गए, जैसा कि मैंने आपको बताया महिला प्रजनन शक्ति के रूप में। महिलाएं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर इतने कार्य कर रही थी कि महिला क्या कार्य कर रही है और पुरुष क्या कार्य कर रहे हैं, इसको विभाजित करना ही मुश्किल हो गया था। किसी वस्तु के वर्गीकरण के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए महिला श्रम की मांग में अधिक वृद्धि होने लगी। महिलाएं जब सारे कार्य करने लगी थी, कृषि के साथ साथ अन्य कार्य भी करने लगी थी, तो उनकी मांग में वृद्धि होने लगी। उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी महिलाएं जाती थीं। जब कुछ बेचना हो, विक्रय करना हो, तो उसके लिए भी महिलाएं बाजारों में जाने लगी। श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था, उन्हें एक प्रजनन शक्ति के रूप में समझा जाता था। ये चीज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। समाज में विवाहित महिलाओं की संख्या अधिक नहीं थी, ये एक समाज की उस समय जो प्रक्रिया थी वो थी। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाती थी, जो भी अधिकार थे महिलाओं को उसकी मान्यता प्रदान की गई। महिलाएं जमींदारियों को बेच सकती थी, वे गिरवी रख सकती थी, चाहे उन्हें बेचनी हो तो वो बेच सकती थी, गिरवी रखनी हो तो गिरवी भी रख सकती थी, वे स्वतंत्र थी अपना जो भी निर्णय लेना हो उन्हें। पश्चिम भारत में राजस्वला महिलाएं अथवा कुम्हार की चाको छू नहीं सकती थी, ये एक अलग डिफरेंट बात है। तो ये सारी महिलाओं की बात थी। आप इस प्रश्न का आंसर बड़े उत्तम तरीके से लिख सकते हैं, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है बच्चों। तो बच्चों एक प्रश्न तो आपने समझ ही लिया, इसी तरह का एक और प्रश्न मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसको भी समझ लीजिए कि कैसे हमें एग्जाम में लिखना है। 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। हम बात कर रहे हैं 16वीं और 17वीं सदी की। वाणिज्यिक खेती का असर जंगल वासियों पर भी पड़ा, ये हमने देख ही लिया है और समझ लिया है। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम की मांग थी, लाख जैसी वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार से लगे थे, जैसे पंजाब का लोखानी कबीला। साथ ही साथ सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए, ये हमने देखा किस तरीके से सामाजिक कारण थे। कबीलों के भी सरदार होते थे, कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए,
और कुछ तो राजा भी बन गए। राजा बनने के साथ साथ उन्हें सेना की आवश्यकता हुई और सेना की आवश्यकता के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों को सेना में सम्मिलित किया। हाथी भी पकड़े गए और हाथी भी क्या, क्योंकि सेना की आवश्यकता में हाथी की भी जरूरत थी। तो ये चीज हमने देखी। इसी के बाद 16वीं सदी में आकर ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से विकसित हुई, जो कि कभी भी आई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संकेत देती है। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई और कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों में खेती और समुदायों ने धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने बड़ी भूमिका अदा की। ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए और समझ लिए थे। इस तरीके का आंसर फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है। तो बच्चों, अब हम अपने अध्याय के इस भाग को निष्कर्ष को भी समझ लें। क्या रहा अध्याय के इस भाग में, हमने महिलाओं की स्थिति को जाना, उनसे जुड़े व्यवसाय, महिलाओं को एक प्रजनन शक्ति के रूप में समझा जाना, जंगल एवं कबीलों में लोग कैसे पहुंचे और धीरे धीरे कैसे जंगलों को कृषक बस्तियों में बसाया, जंगलों को साफ किया, साथ ही साथ किस तरह व्यापार और वाणिज्य यहाँ तक पहुंचा जा सका, जमींदार और जमींदारी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको समझा दिया और साथ ही साथ समकालीन समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा कर दी। ये निष्कर्ष है इस अध्याय के इस भाग का, जो आप समझ ही गए हैं बच्चों। इसी के बाद, जैसा कि अब हम ये पूरा अध्याय के इस दूसरे भाग को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कुछ आपको होमवर्क भी करना होगा घर पे। तो उसके लिए आपको मैंने दो प्रश्न दिए थे, वो बुलेट फॉर्म में दिए थे, उसको विस्तृत रूप में आपको घर में लिखना है। पहला प्रश्न, कृषि उत्पादनों में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। और दूसरा प्रश्न, 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता चुकी हूँ, आपको विस्तृत रूप में इसे लिखना है और याद भी करना है, पूरे भाग को पढ़ना और समझना भी है। इसी के साथ साथ बच्चों, आने वाले भाग में यानी कि इसी अध्याय के तीसरे भाग में हमें क्या पढ़ना है ये भी हम देख लें। हम क्या क्या पढ़ेंगे, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, भू राजस्व वसूलने एवं नियंत्रण के लिए शासन तंत्र को जानेंगे, भूमि की पैदावार के हिसाब से भूमि के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ चांदी का प्रसार किस तरह बढ़ा ये जरूर जानेंगे और अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में हम विस्तृत रूप में इसमें चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अध्याय का दूसरा भाग। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।